महादानव मयासुर के दो शक्तिशाली राक्षस पुत्र दुदुम्बी और मायावी रावण का मौसेरा भाई घर का साथे भूमि के चीरत पताल लोक से लंका नगरी में प्रकट हो गेले। उनकर आगमन से लंका के धरती कांप उठेली। रावण के राक्षस सैनिकन के पछाड़त वो तीनों रावण का दरबार में पहुंच के रावण कैकसी और सुमाली के आश्चर्य चकित कई देवेले। रावण मंदोदरी सुमाली तथा कैकसी उनकर परिचय पाके चकित और प्रसन्न होखेले। रावण उनका बतावेला जे बानर राज बाली के सिवा वो आजूले केहू और से पराजित नहीं भइलन। ए पर बाली से बदला लेवे के घोषणा करेले। वही बखत देवर्षि नारद ओजा प्रकट होखेले और दुंदुभी और मायावी के चेतावनी देवेले जे उनकर मृत्यु नियरे बा। नारद का ही भविष्यवाणी से चिड़के दुंदुभी भागत नारद का पीछा करेला। नारद भागत भागत महर्षि विश्वामित्र का आश्रम में पहुंचेले और दुंदुभी का विषय में बतावेले। महर्षि विश्वामित्र अपना तपोबल का तेज से दुंदुभी के आकाश में धकेल देवेले। दुंदुभी राक्षस जो जन दूर बानर राज बाली का भूमि की स्किंधा में जा गिरेला। बानी का बानर सैनिकन जब दुंदुभी पे प्रहार करेले तो दुंदुभी उनका बुरा तरह से आहत कई देवेला। ओकरा बाद दुंदुभी बाली का राजसभा में पहुंच के आपन बनोई रावण के पराजय के बदला लेवे खातिर बाली के ललकारेला। ललकार सुनते ही बाली के क्रोध जाग उठेला और वो अपन मूल बानर रूप धारण कई के दुंदुभी पे भीषण प्रहार करेला। बाली का सामने आवते दुंदुभी के बल पहले ही आधा हो चुकल रहे। आपन प्राणन का रक्षा खातिर दुंदुभी ओइजा से भागेला, बालियों का पीछा करेला। भागत भागत दुंदुभी मतंग मुनि का आश्रम में पहुंचेला, बाकी बाली का घातक प्रहार से बांच नहीं खे पावत। बाली अपन बलशाली घूसन के मार से दुंदुभी के ओहिजे समाप्त कर देवेला। वही भगत मतंग ऋषि ओहिजा आवेले और आश्रम में बाली के हत्या के दोषी बता के ओके साप देवेले जे भविष्य में जदि हुई आश्रम में प्रवेश कैलस तो होकर कपाट टुकड़ा टुकड़ा होके बिखर जाई। ओकरा बाद बाली अपन चिंतित भाई सुग्रीव के मतंग मुनि के साप की बात बतावेले। दोनों भाइयन के आदर्श प्रेम इस घटना से प्रकट होखेला। उन्हें सुमेरु के राजसभा में युवराज हनुमान के भव्य स्वागत होखेला। वही भगत बानर राज केसरी के मंत्री आके समाचार देवेला जे बाली पताल वासी दुंदुभी के बध कई के बानर जाति के गौरव बढ़ोले बाड़न। केसरी का साथे हनुमान बाली के बधाई देवे खातिर किसकिंदा जाए के निश्चय करेले। एने लंकापुरी के दरबार में जब बाली का हाथे दुंदुभी के मारल जाए के समाचार मिलेला तो दुंदुभी के भाई मायावी बाली से अपन भाई के मृत्यु के बदला लेवे के घोषणा करेला। आपन पिता बानर राज केसरी का साथे वीर हनुमान किष्किंधा पहुंच के बानर राज बाली के बधाई देवेले। अपन गुरु सूर्यदेव के दिहल वचन का अनुसार हनुमान सुग्रीव का सचिव तथा रक्षक रहे के घोषणा करेले। जय हनुमान के जय जयकार से बाली के राजसभा गूंज उठेला। उन्ने महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नरेश दशरथ का पास पहुंचेले और राक्षसन से ऋषि मुनियन का रक्षा खातिर राम लक्ष्मण के अपना साथे भेजे के अनुरोध करेले। श्री राम का आग्रह पे माता पिता के दुविधा के अंत होखेला। महाराज दशरथ राम लक्ष्मण के महर्षि विश्वामित्र का साथे भेजे खातिर प्रस्तुत होखेले। Thank you.
राम, लक्ष्मण, वत्स राम, उठा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव, अब तो दोनों ही नदी में स्नान आचमन करके शुद्ध हो जाओ। हम तनी के कुछ विद्या प्रदान करें। जवन आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, राम, ई बला और अति बला विद्या हवे। ई विद्या हम भगवान शिव की आराधना कैके प्राप्त कैले बानी। ई विद्या सके विशेषता का बा ऋषिवर? ई विद्या स के प्रभाव से तोके कबो थकान न होखी, कबो ज्वरो न आई और लम्हर बकत ले भूख प्यास से होखे वाला कष्ट के अनुभव भी न होखी। का ई विद्या से हम दुष्ट राक्षसन के भी मार सकीले गुरुदेव? अवश्य लक्ष्मण। ई विद्या स के मंत्र समुदाय के सिद्ध कैला के बाद बड़ से बड़ बलशाली राक्षसो तोहनी पे हावी ना हो सकी। हम स्वयं तोनी के मंत्र सिखा के सिद्ध करवाई। जवन आ गया गुरुदेव। ई बला अति बला विद्या सा प्राप्त कई के हमने धन्य भाई नी। हमरा साथे बोला, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक एकर अठास बा गुरुदेव। ये अठास ताड़का राक्षसी के बाराम। राक्षसी में 1000 हाथियन के बलबा। 1000 हाथियन के बलबा? हाँ लक्ष्मण, ऋषि मुनियन से बदला लेवे खातिर ताड़का और उकर पुत्र मारी सदा ही वन में उपद्रव मचावे ले और जनपदन के विनाश करे ले। के बड़ी ही ताड़का गुरुदेव, और ये ऐसा अत्याचार काहे कर रहल बाड़ी? पिता के एगो छोट भूल का कारण ओकर संतान के भविष्य कैसे नष्ट होखेला, एकर साक्षात उदाहरण बाड़ी ताड़का। बहुत बखत पहले के बाद बारा संतानहीन यक्षराज सुकेतु संतान प्राप्ति खातिर ब्रह्मा जी के आराधना पूर्वक तपस्या कैलक। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद से उनका ताड़का नाम का एगो पुत्री प्राप्त भई। ताड़का में 1000 हाथियन के बल रहे, बाकी रोकर खाते कौनो योग्य बर ना मिल पावे के कारण सुकेतु ओकर बिया जम के छोट पुत्र दैत्यराज सुंग से कई देला। दैत्यराज सुंग में 2000 हाथियन के बल रहे। कुछ बकत का पश्चात ताड़का गर्भवती भईली। ओकर इच्छा भइल जो महल में निवास करस और स्वर्ग लोक के सुख भोगस। यह इच्छा के लेके ताड़का और ओकर पति सुंग ऋषि अगस्त का आश्रम ओरी चल पड़ला। उनका से अपना खातिर महल और स्वर्ग लोक के निर्माण करवावे खातिर।
तू अगस्त्य ऋषि बड़ा ना? हमने की बात के उत्तर दा, तू अगस्त्य ऋषि बड़ा ना? तोनी बिना हमार आज्ञा के हमार आश्रम में आवे के साहस कैसे कैला? साहस साहस ऐसे तू हमने के वन में कुटिया बना के ओ में बैठ के ध्यान करेगे साहस कैला? वैसे ही हमने ओ ये आश्रम में प्रवेश करेगे साहस कैनी? तो सुंदर दैत्य बाड़ा ना, हम तोहरा के जानीला, किंतु ई कन्या ते यक्ष पुत्री बिया, तोहरा साथे रह के इहो राक्षसीन हो गेल बिया। कहे कि तू हमार कुटिया में प्रवेश करे से पहले ना तो हमरा प्रणाम करे के शिष्टाचार देखैला और ना ही आज्ञा लेवे के। अगस्त्य ऋषि, इस साउं से बन प्रदेश हम दैत्यन के बाप, एजा एजा हमनी के आए और जाए से क्यों नहीं के रोक सकत? ऐसे व्यर्थ के पद कहीं बंद करा और हमने के आवे के कारण पूछा। जे बिना बुलावले कारण हमारा आश्रम में प्रवेश कर चुकल बा, हम ओके खाली जाए के ही कह सकत बानी। तू हमार ध्यान पहले ही भंग कर देले बाड़ा, अब हमार शांति में विघ्न मत डाला। विघ्न? विघ्न की बात तो निमन कहला, हमसे हम चाहिला तो हर ध्यान में विघ्न डाली। यही खाते हम जे चाहता नहीं तू हमके प्रदान करता। का चाहत बड़ू तू? हमार संगनी के चाहे स्वर्ग के सोख, रहे खातिर स्वर्ग जैसन उत्तम महल, पहरे खातिर उत्तम आभूषण और सेवा खातिर अप्सरा सा, और हाँ खाए खातिर उत्तम से उत्तम भोजन। सब वस्तु कठोर तपस्या से प्राप्त होखेला, मंगला से ना। सुन ले बानी, तू तपस्या कई के बार बार सिद्धियन के अपना बस में कई ले बाड़ा, तू चाह तो चुटकी बजावत ही एजा स्वर्ग जैसन महल खड़ा कर सकेला। हम अपन सिद्धि के उपयोग तोरा खातिर स्वर्ग के महल खड़ा करे में ना करब। ऐसे अब तू यहाँ से जा और हमरा के ध्यान करे द। पहले ही बतावा, सच सच बताइए अगस्त्य ऋषि, तो हमें स्वर्ग उपजावे की शक्ति बाना? ओके भी तो तोहरा एकरा से का, हम तोहार और तोहार दैत्य पति की इच्छा कदापि पूरा ना करब। अब तू लोग यहाँ से जा। सुंद दैत्य न सुने की आदि नहीं खे, यही बखत स्वर्ग के महल खड़ा करा हमार दैत्य रानी ताड़ का खातिर। कदापि ना, तो हमके क्रोध मत दियावा, कहीं ऐसा ना होखे कि तू पश्चाताप खातिर जीवित ना रह। ऋषि, अब तलक क्रोध जगावला पे भी हम तरह से शांतिपूर्ण व्यवहार कही रहल बानी। हम तरह से कहता नहीं हमनी के छपूरा करा, वरना हम तोके तार आश्रम से जला के राख कर दे। दुष्ट राक्षस, तू ऋषि मर्यादा के सब सीमा के लांग देले बारे। तू बार बार हमार अनुरोध के ठुकरा के हमार ऋषि तेज के ललकर ले बारे, जो हम तोके श्राप देत बानी कि तू कटल वृक्ष के भांति धरती पर गिर जो। का भइल नाथ, हमार नाथ, ई दुष्ट देखत देखत हमरा के विधवा बना देलस। नाथ उठा, नाथ दुष्ट पापी, हम तोके जीवित ना छोड़ब, ना छोड़ब हम जीवित तोके। एगो गर्भवती स्त्री के कष्ट दिहल धर्म के विरुद्ध बा, ऐसे हम तोहरा के मरे के श्राप तो ना देहब, बाकी तू हमार ध्यान के भंग के ले बारे, ऐसे हम तोहके यक्षिणी से राक्षसनी होके के श्राप दे बानी। ना, दुष्ट पापी, हम तोहके जीवित नहीं छोड़ा, हम तोहके कच्चा खा जाईब। तोरा जैसन राक्षसनी हमार बाल बाका ना कर सकेले, ऐसे ए तड़का तो इजा से चल जो और समय इला पर अपना राक्षस पुत्र के जन्म दे। दुष्ट, हम तेरा कच्चा खा जाए, जीवित ना छोड़ो हम तो के। हा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 
हमार कुछ ना बिगाड़ सकेले ताड़का। कहे कि अब हम तो के अपन आश्रम में प्रवेश ही ना करे देव। प्रिय राम लक्ष्मण, ओकरा बाद ताड़का भयानक राक्षसी के रूप धारण कर लेली। ऋषि अगस्त से अपना पति के मृत्यु के बदला लेवे खातिर वो ऋषि मुनियन के आश्रम और जनपद सबके नष्ट भ्रष्ट करे लगली। यही बीच वो मारिश नाम के एगो राक्षस पुत्र के जन्म भी देले, जे बड़ होके लंकापति रावण के राक्षसी सेना के अंग बन गई। यक्ष पुत्री के रूप में जन्म लेवे वाली ताड़का के परिवर्तन के कथा साचो आश्चर्यकारक बा गुरुदेव। राम लक्ष्मण, इस ताड़का अबले न जाने कितना निर्दोष मनुष्य की हत्या कैले बिया। अब एकर जीवित रहल उचित नहीं खे, ओके यही जे समाप्त कई दो। गुरुवर, हमनी क्षत्रियन के एगो स्त्री के मारल उचित होगी? कहूँ ऐसा कही के हमनी क्षत्रियन धर्म के मर्यादा के उल्लंघन तो न करब? ना ही राम, इस ताड़का तो कब से स्त्रियन के मर्यादा के उल्लंघन कई देले बिया। यदि अबहियो जीवित रह गयी तो न जाने कितना निर्दोष मनुष्य की हत्या कर दी। एक समाप्त कई दो राम। राम, बला अति बला मंत्र के प्रयोग करके पर बाण प्रहार करो, ई ऐसे ना रुकी। जाओ ना आज्ञा गुरुदेव। शिव संगनी माई जगदम्बा के, गणेश जननी माई पार्वती के, गणेश जननी माई पार्वती के, गणेश जननी माई पार्वती के। सुनी सुनी साधु जन, इस समय बड़ा ही आनंद के बा, आज हमनी धर्मात्मा लोग खातिर एगो शुभ समाचार मिलल बा। शुभ समाचार? हाँ, शुभ समाचार। यवन अत्याचारी राक्षसनी ताड़का सरजू नदी के आसपास के वन तथा जनपद में ऋषि मुनि लोग और धर्मात्मा लोग के प्राण संकट में डाल देले रहली, उ ताड़का अयोध्या नरेश दशरथ के वीर पुत्र राजकुमार राम के हाथे मारल गयी। का ताड़का मारल गयी? हाँ, ऋषि विश्वामित्र के साथे राजकुमार रामचंद्र और उनकर छोट भाई लक्ष्मण ऋषि मुनि लोग के रक्षा खातिर अयोध्या से निकलल रहले। सरजू नदी के किनारे ताड़का उनका घेर ले ली। ताड़का राजकुमारन के घेर ले ली? हाँ, जब ताड़का ऋषि विश्वामित्र और राम लक्ष्मण पर झपटली तो राम अपन मंत्र सिद्ध बाण से उकाल रूपी राक्षसनी के समाप्त कर दिले। वन में रहे वाला सब साधु संत लोग ऋषि विश्वामित्र और वो दोनों राजकुमारन के जय जयकार कैले। अब हमहू उनकर जय जयकार करी जा। बोला वीर राजपुत्र राम और लक्ष्मण के, वीर राम लक्ष्मण के, वीर राम लक्ष्मण के, वीर राम लक्ष्मण के, विश्वामित्र के, ऋषि विश्वामित्र के, वीर राम लक्ष्मण के, ऋषि विश्वामित्र के, वीर राम लक्ष्मण के, ऋषि विश्वामित्र के। का सोच रहल बाड़ू सीता? उ वीर क्षत्रियन राजकुमारन के विषय में सोच रहल बानी उर्मिला, जे उ ताड़का के समाप्त कर देले, जेकर नाम से लोग थर थर कापे लगेलन। से तबा साचो, दशरथ पुत्र रामचंद्र कमाल कर दिखवलन। अरे, हमनी के तो बात बात में एगो महत्वपूर्ण पूजा करे के भुलाइए गयनी। कवन से पूजा? माँ गौरी के पूजा कर लेनी, आरतियों भी उतार लेनी, बाकी रोज लेखा शिव धनुष के ऊपर पुष्पहार तो हमने चढ़ाई भी ना कही। अरे हाँ, उहे शिव धनुष जवन गौरी मैया के लगे रखल बा। हाँ चला, हाँ चला। मिथिला नरेश महाराज जनक के, गुरु या
याज्ञवल्क्य गुरु याज्ञवल्क्य गुरु याज्ञवल्क्य गुरु याज्ञवल्क्य महाराज जनक के महाराज जनक के महाराज जनक के महाराज जनक के गुरु याज्ञवल्क्य महाराज रउआ हमरा के जवन महत्वपूर्ण विषय के संबंध में स्मरण दियावे के निर्देश देले रहनी उहे हम निवेदन करल चाहिले। अवश्य महामंत्री जी, हमके उ बात के स्मरण बा, बाकी रउआ ओकर घोषणा सब केहू के सामने करी। जनक नंदिनी राजकुमारी सीता विवाह के योग्य हो चुकल बाड़िन। उनकर अन्य तीन बहिनन उर्मिला मांडवी और सुतकीर्ति के विवाह के विषय में विचार कइल आवश्यक हो गइल बा। अवश्य महामंत्री जी, ई विषय में हम अपन कुलगुरु के निर्देश चाहत बानी। बताई गुरुवर, ई विषय में हमनी के का करे के चाही? मिथिला नरेश, वैदेही जनक शिव ध्वज, हमरा विचार में कन्या सीता के बर के चयन करे के अधिकार हमरा के नहीं खे। एक निर्णय हमने के विधाता के संकेत के अनुसार ही करे के होखी। हमरा और मंतव्य ना समझ ली गुरुदेव। सौंसे मिथिलावासी और यहां तक ले जे समस्त आर्यव्रत भी बात के जानेला जे दिव्य कन्या सीता के हमनी के पृथ्वी मैया प्रदान कैले बाड़ी। यही से कन्या सीता कौनो साधारण कन्या नहीं थी। ए असाधारण कन्या के जोग वर भी कौनो असाधारण पुरुष ही होखे के चाही। गुरुवर, हम रउआ से पहले भी निवेदन कह चुकल बानी, जब ऋषि परशुराम पिछला बार मिथिला पधरले रहले तब उहो एगो संकेत दे ले रहले। कैसन संकेत राजन? जब राजकुमारी सीता के ऋषि परशुराम अपने ही द्वारा दिहल गेल शिव धनुष गौरी मंदिर से उठा के एक ओरी रखत देखलन, तब उ कहले रहलन के सीता के वर ऐसन शक्तिशाली पुरुष होखे के चाही जे शिव धनुष के उठा के ओह पे बाण चढ़ा सके। रउआ सांच कह रहल बानी राजन, ऋषि परशुराम के संकेत इहे कहेला जे रउआ अब सीता के स्वयंवर के घोषणा कह दी और उस स्वयंवर में जौन पुरुष उस शिव धनुष पे बाण चढ़ा दी वह सीता के बरमाला के अधिकारी होगी। धन्य धन्य गुरुदेव, रउआ हमार बहुते बड़ समस्या के समाधान कह देनी। महामंत्री, आर्यव्रत और दूर दूर के प्रदेशन के राजपुरुषन के सीता स्वयंवर के संदेश पहुंचा दो। महाराज, एकरा खातिर अंतिम निर्णय भी गुरु याज्ञवल्क्य के ही करे पड़ी। अवश्य महामंत्री। महाराज, हमार गणना के अनुसार आज से दू माह पश्चात आवे वाला पूर्णिमा ए शुभ अवसर खातिर उपयुक्त होगी। महामंत्री जी, गुरु याज्ञवल्क्य के आज्ञा हमरा के शिरोधैर्य बा। घोषणा करा दी कि आज से दो माह पश्चात आवे वाला पूर्णिमा के मिथिला के राजसभा में दिव्य कन्या सीता के स्वयंवर के आयोजन होखी। इस स्वयंवर में जौन वीर पुरुष शिव धनुष के प्रत्यंचा चढ़ा दी उहे सीता के वर होखी। जवन आ गया महाराज। महाराजा जनक के, महाराजा जनक के, गुरु याज्ञवल्क्य के, गुरु याज्ञवल्क्य के, महाराजा जनक के, महाराजा जनक के, गुरु याज्ञवल्क्य के। हम दुंदुभि के मृत्यु के बदला ले, हम दुंदुभि के मृत्यु के बदला ले। रुक जा दुष्ट वानर लोग, हम तोहनी के ना छोड़ा। हम तोहनी के ना छोड़ा वानर लोग, तू हमार भाई दुंदुभि के हत्यारा बड़ा। दुष्ट राक्षस, लागत है तोर मृत्यु ही तो के जा खींच ले आइल बा। अब तू हमार हाथ से बच ना पाइबे।
कहीं भी छुप जो वानर, हम तोरा के ना छोड़ा। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम। केसरी नंदन, अंजनी सुत, पवन पुत्र हनुमान। मित्र होखे तो तहरा जैसन, पुत्र होखे तो तहरा जैसन, भक्त होखे तो तहरा जैसन। तहार दर्शन खातिर हम कब से तरसत रहनी है हनुमान। ऐसन कहके रउआ हमके लज्जित कर रहल बानी देवर सिंह। रउआ तो सौंसे संसार के पूज्य बानी और हम एगो साधारण बानर सेवक बानी देवर सिंह। ना 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 नारायण नारायण, हम दोनों में से अधिक पूज्य के बा। इतो धर्म के इतिहास से बताई हनुमान। जय श्री राम। देवर सिंह, रउआ हमारा इतना प्रशंसा मत करी, हम अपन प्रशंसा सुनल ना चाहिला। रउआ तो जानते बानी हमरा के हमार गुरु के आशीर्वाद प्राप्त बा कि जब वो केहू हमार प्रशंसा करेला तो हमार सुतल बल जाग उठेला और हम अत्यंत बलशाली हो जाएली। नारायण नारायण, अब तो बलशाली होकर ही के पड़ी हनुमान। सूर्य देव के गुरु दक्षिणा के रूप में जौन सुग्रीव के सुरक्षा के तू वचन दे चुकल बड़ा, उ सुग्रीव के प्राण संकट में बा। का कहले? हमार सखा सुग्रीव के प्राण संकट में बा? का भइल उनकर आके देवर्षि, बताई का भइल उनकर? बाली, राक्षस राज रावण के साला दुदुम्भी के वध कर दिले। इस समाचार से राक्षसन में खलबली मच गई। दुदुम्भी के भाई मायावी अपन भाई दुदुम्भी की मृत्यु के बदला लेवे खातिर सुग्रीव के बाली समझ के ओपे टूट पड़ल। हे श्री राम, हमार सखा सुग्रीव के प्राण संकट में बा और हम यही जा बनी। अब का होखे प्रभु, हमके आज्ञा दी देवर्षि, हमके शीघ्र अति शीघ्र किसकंधा पहुँचे के होखे। जावा हनुमान जावा, अपन कर्तव्य के पालन करा। प्रणाम देवर्षि। का कहत बड़ा सेनापति? वानरराज, दुंदुभी के भाई मायावती राक्षस राव और भ्राता महाराज सुग्रीव पर टूट पड़ल। मायावी हमनियों पर आक्रमण कैलस और हमनियों के चोट पहुँचौलस। वो दुष्ट राक्षस के इतना साहस जो हमार प्राण प्रिय भ्राता के नुकसान पहुँचौलस, हम ओके जीवित ता छोड़ा। किष्किंधा नरेश बाली के जय होगे। 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 सुग्रीव, हनुमान, हनुमान। सखा सुग्रीव, ये पहाड़ियन में कायरन के भांति केकरा से लुका रहल बड़ा? जब हनुमान तारा साथे बदा तो के कौना बात के डर? बाली के होकर सुग्रीव के कोनो बाल बाका ना कह सकेला। भैया, हमार प्राण प्रिय सुग्रीव, तू हनुमान के साथ किष्किंधा लौट जा, ये मायावी के हम अकेले ही निपट ले। मायावी मायावी। रुक जाओ तू लोग, हमके तू दोनों की सहायता की आवश्यकता नहीं के, हम अकेले एक समाप्त करते अब। तू लोग जा यहाँ से। ना भैया, हमने रहुआ के यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकत। ये मायावी राक्षस रहुआ पे अपन मायावी शक्ति को प्रयोग कर सकेला। हम तोके समाप्त कर दे। मायावी, हमके देखते मात्र से तहार सारा मायावी शक्ति समाप्त हो चुकल बा, तहार आधा बल छीन हो चुकल बा। यदि तहरा लगे मायावी शक्ति हो के ताबाई ले तू उनका प्रयोग कर चुका लोखा, अब तहार मृत्यु हमार हाथ से निश्चित बा। मायावी, Ah!
मायावी रुक जाओ। गुफा के द्वार बंद हो गए बा, अब का होगी? चिंता के कोनो आवश्यकता नहीं है सुग्रीव, सब ठीक हो जाए। हनुमान तू हूँ किशकिंदा चल जा, हम बाली भैया के जे प्रतीक्षा करता नहीं। ना सुग्रीव, संकट के ये घड़ी में हम तारा अकेला छोड़ के कैसे जा सकता नहीं। मायावी के छल बाली के सामने अधिक दिन ले नहीं ही टिक सकत। हाँ हनुमान तू ठीक कहा तड़ा, बाली भैया उस दुष्ट राक्षस के अवश्य समाप्त कर दिए। गुरु विश्वामित्र के प्रणाम ऋषिजन। मुनिवर ई दोनों कुमार उहे बाड़न ना जिनका रउआ लेवे गईल रहनी। ई दोनों वीरन का तेज के देख के रउआ के इनकर परिचय प्राप्त नहीं किए होखत। हाँ। देवासुर संग्राम के विजयी महाराज दशरथ का दोनों वीर पुत्र राम और लक्ष्मण हमनी का आश्रम के रक्षा करे हेतु एजा पधारले बड़ा। धन्य धन्य बाड़न ऋषिवर। बोला सूर्यवंशी राजकुमार राम लक्ष्मण के। शिष्य गुणोदर हमार अनुपस्थिति में राक्षसन एजा उपद्रव तो ना मचलो ना। गुरुदेव राहुल अभिमंत्रित अस्त्र शस्त्र के लेके हमने आश्रम के चारों ओर पहरा देत रहनी है। कुछ राक्षस जन आश्रम पे आक्रमण करके प्रयासों कई ले रहलन, बाकी जब हमने राहुल अस्त्र शस्त्र के चमत्कार दिखाओनी तो वो भाग खड़ा भइले। हमनियों के वो अस्त्र शस्त्र दिखाई गुरुदेव। हाँ लक्ष्मण इस सौसे चमत्कारी अस्त्र शस्त्र के प्रयोग अब तोहनी कर पा, हम तोहनी के इस सौसे अस्त्र शस्त्र प्रदान करब। अर्थात तपस्या से प्राप्त कैल उस सारे अस्त्र शस्त्र के प्रयोग अब हमनी के करब गुरुदेव। अवश्य लक्ष्मण, अब तो दोनों विश्राम कर, हम कल हुए तो दोनों के परिचय अस्त्र शस्त्र से करवाई। जाऊं आज्ञा गुरुदेव। Yeah.